हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग डीए में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हो, यहाँ पर हम सभी बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्वांट और रीजनिंग की आपको डेली वीडियोस प्रोवाइड हो रही हैं। तो उसी सीरीज़ में, जैसा कि आप लोग जानते हो, हम डेली क्लासेस कर रहे हैं SBI PO और क्लर्क के लिए, ऑल्सो फॉर LIC। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। SBI PO एंड SBI Clerk 2019 की डेली क्लासेस हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग की। तो ये हमारा है आज डे नंबर 6। ठीक है, ऑलरेडी मैं 5 डेज तक आपको रीजनिंग की वीडियोस प्रोवाइड कर चुकी हूँ और 5 डे में हर डे में आपको एक पजल और सीटिंग अरेंजमेंट मिलेगा और एक मिसलिनियस टॉपिक मिलेगा। तो ऑलमोस्ट 5 पजल आपको मिल चुकी हूँ और 5 आपको मिसलिनियस के टॉपिक मिल चुके हैं। ठीक है, तो आज डे नंबर 6 में हम करने वाले हैं बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, किस तरीके से इस टाइप के सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व किया जाता है एंड ऑर्डरिंग क्वेश्चन सेट। मतलब एक मैंने ऑर्डर रैंकिंग टाइप का क्वेश्चन लिया हुआ है जो डेफिनेटली प्रीलिम्स के एग्जाम में हर ईयर देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको हमारी क्वांट और रीजनिंग की ढेरों वीडियोज़ मिलेंगी, सर्कुलर के, ऑर्डर रैंकिंग के पूरे पूरे कंप्लीट कोर्स मिलेंगे जहाँ से आप आराम से फॉलो कर सकोगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। इसका जो एक स्टैंडर्ड टाइम रहेगा वो रहेगा 3 to 4 मिनट का, इससे ज़्यादा आपको इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, 8 persons आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। मतलब कि 8 persons हैं एक सर्कुलर टेबल के अराउंड में बैठे हुए हैं और सभी का फेस सेंटर की तरफ है। ठीक है, ईच ऑफ देम बिलोंग टू डिफरेंट सिटी। हर कोई एक अलग अलग सिटी से बिलोंग करता है। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया, तो इस बेसिस पे मैंने 2 पॉसिबिलिटी ले ली, जितनी यूज़ होंगी हम आगे कर लेंगे। अब देखो, आप लोगों ने एक चीज़ गौर करी होगी, मैंने ये अंदर की साइड में एरो नहीं बनाए। रीज़न बिहाइंड, हमें पता है कि सभी के सभी अंदर की तरफ देख रहे हैं, दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ लेफ्ट। तो बस जब आपको ये चीज़ पता है तो एरो बना के वो 10 सेकंड भी क्यों वेस्ट करना यार। एक एक सेकंड की वैल्यू आपको पता है तो 10 सेकंड की तो बहुत वैल्यू हो गई। ठीक है, चलो, ई इज़ फ्रॉम कोलकाता एंड 2 persons सिट बिटवीन ई और ए। देखो, अब ई और ए के बीच में 2 लोग हैं बोला जा रहा है और ई जो है वो कोलकाता से बिलोंग करता है। The one who belong to भोपाल is one of the neighbor of A. मतलब कि जो भोपाल से belong करता है वो A का neighbor है। आगे है, F does not belong to दिल्ली and सूरत। अब F जो है वो ना तो दिल्ली से belong करता है और ना ही सूरत से belong करता है, दोनों cancel कर लो। D does not belong to सूरत and भोपाल। अब बोला जा रहा है D ना तो सूरत से ना ही भोपाल से belong करता है। सबसे पहले ना स्टेटमेंट को लिखने की हैबिट डालो, जितनी कोशिश करोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन आसान बनेंगे। The one who belong to मुंबई faces the one who belong to सूरत। मतलब कि जो मुंबई वाला है वो सूरत वाले को फेस कर रहा है। वन ऑफ द पर्सन बिलोंग टू गुवाहाटी, कोई एक पर्सन गुवाहाटी से बिलोंग कर रहा है। वन ऑफ इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु इज़ फ्रॉम भोपाल बिलोंग टू जयपुर। मतलब कि भोपाल का कोई एक नेबर है जो कि जयपुर से बिलोंग कर रहा है, बट ही इज़ नॉट ए। लेकिन वो जो जयपुर वाला पर्सन है वो ए नहीं है। F is immediate left of C. F जो है वो C के immediate left में है। ठीक है, आगे दे रखा है B belong to चंडीगढ़ and faces the one from दिल्ली। बोला जा रहा है कि जो B है वो चंडीगढ़ से belong कर रहा है। ठीक है, और किसको face कर रहा है, दिल्ली वाले को। The one who belong to जयपुर faces C. जयपुर वाला C को face कर रहा है। H does not belong to भोपाल, H भोपाल से नहीं है। G is one of the person और G इनमें से कोई एक person है। ठीक है, आई होप आप लोगों को काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ तक समझ में आई। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आगे वन बाय वन चीज़ों को देखना। अब पहली बात, हमें क्वेश्चन की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम भूल जाएंगे और क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल हटा दिया।
बिल्कुल आप भी भूल जाओ। अब देखो आपके पास दो कंडीशन बनेंगी, या तो आप क्वेश्चन इससे शुरू कर लो या फिर सी और जयपुर से कर लो, ठीक है। अब अगर आप ई और ए से करोगे ना तो पॉसिबिलिटी काफ़ी क्रिएट होंगी, लेकिन सी जयपुर से नहीं होगी। हाँ मैं ये बोल सकती हूँ भी एग्ज़ाम टाइम पे आपको पता नहीं लगेगा कि किससे पॉसिबिलिटी बन रही है नहीं, तो आप उससे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, दिस इज़ नॉट मैटर, कोई भी मतलब कुछ डजेंट मैटर, ठीक है, कोई मैटर नहीं करेगा, आप जहाँ से स्टार्टिंग करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। तो हमने सी और जयपुर से कर लिया, सी के जस्ट सामने हमने ले लिया जयपुर को, ठीक है, इस तरीके से हमने सी लिया, उसके जस्ट सामने हमने जयपुर लिया। अब नाउ वी नो जयपुर के बगल में भोपाल है, ठीक है, ये पता है, और हमें एक चीज़ और पता है, सी के इमीडिएट लेफ्ट में एफ है, तो सबसे पहले हमने सी के, अब हमें पता है कि ये इधर इधर की साइड लेफ्ट है क्योंकि ये अंदर देख रहा है, तो यहाँ हमने एफ ले लिया। अब हमें पता है कि जयपुर के किसी भी बगल में भोपाल हो सकता है, एक बार जयपुर के लेफ्ट में ले लो, एक बार जयपुर के राइट में ले लो, तो एक बार मैंने जयपुर के लेफ्ट में भोपाल ले लिया, ठीक है, एक बार जयपुर के लेफ्ट में भोपाल ले लिया, एक बार राइट में। आगे बोला जा रहा है कि भोपाल और ए बगल बगल में, लेकिन ए वाला पर्सन जयपुर से नहीं है, ठीक है। अब आपको पता लगेगा कि भोपाल के बगल में या तो ए इधर आएगा या फिर इधर, और या तो ए इधर आएगा या फिर इधर, बट वीनो जयपुर से नहीं होगा तो ये कट गया, वीनो जयपुर से नहीं होगा तो ये कट गया, तो हमें ए के लिए कन्फर्म जगह मिल गई, तो हमने ए को डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से रख लिया। आगे हमें क्या पता है कि बी चंडीगढ़ से है और उसके सामने दिल्ली है। अब बी कहीं ऐसी जगह पे आएगा जहाँ पे कोई सिटी भी नहीं लिखी हुई हो और ना वहाँ पर कोई भी पर्सन हो, तो देखो इन दोनों जगह तो आएगा नहीं, सिटी है। अगर अब हम बी को यहाँ पर रख दें तो सामने दिल्ली आएगा, मतलब एफ पर, लेकिन बी नो एफ दिल्ली से नहीं है तो ये कैंसिल। अब अगर हम बी को यहाँ रख दें, ठीक है, तो सामने ए दिल्ली से आ जाएगा, हाँ ये हो सकता है। अब अगर हम बी को यहाँ रख दें तो सामने भोपाल है तो यहाँ नहीं होगा, तो एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है कि बी आ जाएगा चंडीगढ़ यहाँ और उसके जस्ट सामने ए आ जाएगा दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो देखो बी इधर भी आ सकता है और बी इधर भी आ सकता है, ठीक है, और अगर हम देखें तो बी इधर भी आ सकता है, मतलब कि पॉसिबिलिटी काफ़ी क्रिएट हुई, तो इसीलिए यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा। अब कुछ और देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक चीज़ और पता है कि ई और ए के बीच में दो हैं, ठीक है, तो अगर आप लोग गौर करो, एक दो ई या तो यहाँ आएगा, ठीक है, और एक दो यहाँ एफ है, तो कन्फर्म है ई इधर आएगा, तो जब ई के बारे में पता लग पा रहा है तो ई को लिख लो ना, फिर टाइम का वेट करना, क्यों हमें वेट करना, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, एक दो यहाँ तो ई आ सकता है और एक तो यहाँ भी आ सकता है, मतलब यहाँ पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ रुक जाते हैं। अब क्लियर करते हैं बी चंडीगढ़ दिल्ली को, इसमें तो या तो यहाँ पर आएगा भी या यहाँ, अगर भी यहाँ पे आता है तो सामने कोलकाता है भाई, दिल्ली का रखोगे तो कन्फर्म है बी आ जाएगा यहाँ पर, तो जल्दी से हमने बी ले लिया, चंडीगढ़ लिया, उसके सामने दिल्ली लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमें एक बहुत अच्छी चीज़ पता है कि मुंबई सूरत आमने सामने है, मतलब कोई दो जगह आपको आमने सामने वाली खाली चाहिए। अब देखो ना तो इधर आएगा क्योंकि भोपाल है, ना इधर आएगा, ना इधर आएगा, ना इधर आएगा, मतलब सारे प्लेसेस फेल हो गए और मुंबई सूरत के लिए कोई जगह नहीं मिली, मतलब कि ये वाली पॉसिबिलिटी हो गई रॉन्ग। इसमें देखते हैं तो केवल एक ही जगह खाली है, ये वाली। अब पता कैसे लगेगा कि मुंबई कहाँ होगा, सूरत, तो वी नो कि एफ पर सूरत नहीं होगा, तो एफ पे सूरत नहीं, सूरत यहाँ हो जाएगा और एफ पे हो जाएगा मुंबई। हो गया क्लियर। अब क्या बचा है हमारे पास, हमें और क्या पता है, हमें पता है कि हमारे पास में एच के बारे में है, हाँ ई ए के बारे में है, चलो ई ए वाली चीज करते हैं, एक दो ई यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ सूरत है, तो एक दो ई आ जाएगा यहाँ और उस पर आ जाएगा कोलकाता, ठीक है, वो हो गया। अब हमें क्या पता है कि डी जो है सूरत भोपाल दोनों से नहीं है, तो इन दोनों जगह नहीं आएगा, तो डी के लिए बचेगी ये वाली जगह, डी को यहाँ लिख लिया। अब हमें पता है एच भोपाल से नहीं है, तो एच यहाँ नहीं आएगा, तो एच आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा हाँ, गुवाहाटी बचाए तो वो सी, गुवाहाटी पे, गुवाहाटी को सी पे लिख लो, यहाँ एच आ गया और भोपाल खाली रह गया, वहाँ आ जाएगा हमारा अकेला बचा हुआ सी, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों का भी आंसर सेम आया होगा, ठीक है, चलो। तो आई होप आप लोगों को क्लियर है, तो
बस एक छोटा सा अप्रोच था कि यार सीधे सीधे लेके चलो, चीजों को मत घुमाओ फिराओ, ना ही बहुत ज्यादा मर्ज करो, कुछ भी नहीं करना, सीधे सिंपली जो क्वेश्चन बोल रहे हैं हमें वो करना है, लाइक आपसे जो बोला जा रहा है आप बस उतना कर रहे हो यहाँ पर, ये बोलने का सेंस बन रहा है, ठीक है। अगर आप ऐसा ही करोगे ना, तो जिस तरीके से अगर क्वेश्चन की बात आप सुन रहे हो तो वो आपकी सुनेगा और क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। आई वॉज जस्ट किडिंग, ठीक है। चलो तो बात करते हैं आगे। तो अब हमारा आएगा ऑर्डरिंग सेट, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डरिंग सेट को, बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको इसको मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट में बन जाना चाहिए ये, और 30 सेकंड में क्वेश्चन, 1.5 मिनट में ये क्वेश्चन पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। सी, सिक्स शॉपकीपर्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ शॉप, मतलब कि 6 शॉपकीपर हैं, उनके पास अलग अलग नंबर शॉप्स हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे 6 लाइन्स ड्रॉ कर ली। द शॉपकीपर हैविंग सेकेंड हाइएस्ट नंबर, अब देखो ये इस तरीके से है, मतलब कि सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ठीक है, ये सबसे कम। सेकेंड हाइएस्ट जो है, मतलब कि ये वाला, इसके पास में 49 शॉप है, ठीक है। एंड द वन हैविंग सेकेंड लीस्ट, मतलब कि पीछे से ये वाला, इसके पास में 14 शॉप है, तो मैंने 49 लिख लिया और 14 लिख लिया। आगे है, डी हैज़ मोर शॉप देन बी और एफ, डी के पास बी और एफ से ज़्यादा है। शी हैज़ मोर शॉप देन डी, सी के पास डी से ज़्यादा है, बट नॉट द हाइएस्ट, लेकिन जो सी है वो हाइएस्ट नहीं है। ई हैज़ थर्ड लोएस्ट नंबर ऑफ शॉप्स, अब देखो ये बोला गया है ई जो है वो थर्ड लोएस्ट है, तो फर्स्ट लोएस्ट, सेकेंड लोएस्ट, मतलब ई आ जाएगा यहाँ पर, तो ई लिख दिया। आगे है, ए हैज़ मोर शॉप देन ई, तो ये हमने ये लिख लिया। अब आपको क्या पता है कि डी के पीछे बी और एफ आना है, सी और डी आना है, मतलब सी फिर डी फिर बी और एफ, मतलब हमें 4 प्लेसेस चाहिए, तो 1 2 3 4 हो गए, क्योंकि अगर हम अगर हम देखो ये वाले प्लेसेस लेने बैठ गए 1 2 3 4, तो सी आ जाएगा यहाँ पर, जो कि हमारे क्वेश्चन को रॉन्ग कर देगा, तो मतलब कि आपका डेफिनेटली सी और डी आ जाएगा यहाँ पर। अब आपको पता है ई के आगे ए है, तो ए की जगह बचेगी ये वाली, ए आ गया यहाँ पर। अब हमें डी के पीछे बी और एफ को लेना है, तो जो दो ही जगह खाली है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि बी इधर आएगा, कि बी इधर आएगा, कि एफ इधर आएगा, कि एफ इधर आएगा, तो अब यहाँ पर हम ले लेंगे पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रहा कि बी और एफ कहाँ आएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो तो यहाँ तक समझ में आ गया, अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ शॉप्स, मतलब कि हाईएस्ट नंबर ऑफ शॉप्स किसके पास है, तो जल्दी से आप लोग मुझे देख के बताओगे किसके पास है, ए के पास में, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। सेकंड है, इफ ई हैज 20 लेस नंबर ऑफ शॉप देन सी, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ शॉप्स ई हैज़, मतलब कि अगर ई के पास में 20 शॉप कम हो सी से, तो सी के पास कितनी है, 49, 20 कम करोगे ई के पास तो कितनी रह जाएंगी, 29, मतलब कि ई के पास कितनी शॉप बचेंगी, 29। हु अमंग द फॉलोइंग हैज 14 शॉप, तो देखो अब बोला जा रहा है 14 शॉप किसके पास हैं, तो बी के पास भी हो सकती है, एफ के पास भी हो सकती है, और जहां पर हम आंसर फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, तो आंसर आ जाएगा सी एंड डी कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है। मतलब हमें नहीं समझ में आ रहा आंसर बी होगा कि आंसर एफ होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सेट आज का कंप्लीट समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कोई क्वेरी हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, डेफिनेटली आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो 5 डेज का है, या तो आप डायरेक्टली चैनल पर जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट खोल के, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, Day-7 में कल मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।